दोस्तों, फसलों में ब्लैक थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और विशेष तौर से सब्जी वर्गीय फसलों में भी ब्लैक थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। मिर्च वगैरह जैसी फसलों में अगर इनका एक बार अटैक हो गया तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इवन कि क्रॉप ही कई बार खराब हो जाती है किसानों की। तो किसी भी टाइप का इंसेक्ट का प्रकोप हो तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे, इफेक्टिव रूप से कम खर्चे में आसानी से कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? उसके अलावा ब्लैक थ्रिप्स के लिए इफेक्टिव टॉप मोस्ट कीटनाशक कौन कौन से हैं जो हर कहीं पे आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएंगे? इन कीटनाशकों के अलावा आप ऑर्गेनिक तरीके से, अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक तरीके से कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि थ्रिप्स के अलावा भी किसी टाइप के कीटों का प्रकोप ही आपकी फसल में नहीं हो? दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं शेयर करने वाली हूँ। आपकी क्रॉप में थ्रिप्स के अलावा किसी भी टाइप के कीटों का प्रकोप हो तो आपको क्या करना चाहिए कि कीटों का प्रकोप लंबे समय तक आपकी क्रॉप में नहीं हो, अगर ज़्यादा है तो तुरंत आपकी क्रॉप में कंट्रोल हो जाए। ये वीडियो दोस्तों, अगर आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं या फिर आपके पास फ्रूट्स प्लांट्स हैं या बहुत ज़्यादा कीटों का प्रकोप आपकी फसलों में होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए कम्प्लीट जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों, ब्लैक थ्रिप्स का अटैक मिर्च, शिमला मिर्च, सिट्रस प्लांट्स या फूलों की खेती आप कर रहे हैं जैसे मैरीगोल्ड वगैरह है, इनमें बहुत ज़्यादा अटैक होता है, या कोई भी प्लांट है या कोई सब्जी वर्गीय क्रॉप है, कोई भी क्रॉप जो फ्लोरिंग स्टेज में है उन पर अटैक ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पत्तों का रस चूसने के साथ साथ फूलों का रस भी चूसते हैं जिससे कि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है। तो ब्लैक थ्रिप्स की वजह से इस वजह से ज़्यादा नुकसान क्रॉप में होता है। उसके साथ ही जब भी इन थ्रिप्स के अनुकूल वातावरण होता है, मौसम इनके अनुकूल होता है, तो ये लाइफ साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं जिससे कि अपनी कॉलोनी बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं, पूरी क्रॉप में बहुत जल्दी ये फैलते हैं और इनका अटैक बहुत ज़्यादा क्रॉपों में होता है। तो इस तरीके से इनकी वजह से नुकसान होता है और इनको कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट कि आप थ्रिप्स के अटैक से या किसी भी टाइप के कीटों से फसलों को कैसे बचा सकते हैं। बचाने का दोस्तों सिंपल और कम खर्चे वाला एक ही तरीका है, वो है जब भी आपकी क्रॉप लगा दें या कोई फ्रूट्स प्लांट्स है फ्लॉरिंग स्टेज जैसे शुरू हो जाए, आपको एक एकड़ में कम से कम 6 स्टिकी ट्रैप जरूर लगाने हैं। 3 आप ब्लू स्टिकी ट्रैप लगा दीजिए और 3 आप येलो स्टिकी ट्रैप लगा दीजिए। क्रॉप की जितनी हाइट है उस हाइट से थोड़ा सा आप ऊपर करके लगा दें ताकि कीटों का जो भी प्रकोप होगा, जो भी कीट आपके प्लॉट में आएंगे, उन स्टिकी ट्रैप से अट्रैक्ट हो करके, उनके कलर से अट्रैक्ट हो करके उनके चिपक जाएंगे और आपकी फसल है वो कीटों के अटैक से कुछ हद तक बच जाएंगे। आपको क्लियर मालूम भी चल जाएगा कि किस टाइप के कीटों का अटैक आपकी क्रॉप में होने वाला है या शुरू हो चुका है। तो ये सावधानी आप जरूर ध्यान रखिए। स्पेशली दोस्तों, अभी मिर्च की क्रॉप है, तरबूज खरबूज है, खरबूजे में बहुत ज़्यादा अभी अगेती क्रॉप है तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है इंसेक्ट के प्रकोप की वजह से, तो आप ये स्टिकी ट्रैप अपनी क्रॉप में जरूर लगा दें। ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे इफेक्टिव कीटनाशक है वो है दोस्तों ओसिन, जो कि PI इंडस्ट्रीज का आता है, या फिर आप नाउको ले सकते हैं, सेन पई ले सकते हैं इफ्को का आता है, या टोकन ले सकते हैं जो कि इंडोफिल कंपनी का आता है। यानी कि टोकन, नाउको, सेन पई और ओसिन, इनमें से कोई सा भी जो कीटनाशक आपको मिल जाए वही आप ले लीजिए। सभी में सेम टेक्निकल कंटेंट आता है और सेम तरीके से कार्य करते हैं। इनमें टेक्निकल कंटेंट आता है डाइनोटेफुरान, 25% SG फॉर्म में आता है जो कि सिस्टमिक कीटनाशक होता है। ये सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन भी आता है, तो पत्ती के नीचे की तरफ अगर कोई थ्रिप्स या कोई भी कीट छुपा हुआ है तो उसको भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं, स्पेशली रस चूसने वाले कीटों को ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इन कीटनाशकों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। परफेक्ट डोज रहेगी 100 लीटर पानी में 40 ग्राम आपको डाल करके मिक्स करके स्प्रे करना है। 200 लीटर पानी एक एकड़ के लिए आप यूज करें और 200 लीटर पानी में 80 ग्राम डाल करके मिक्स करें और स्प्रे करेंगे। इस तरीके से आप स्प्रे करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, लंबे समय तक ये कंट्रोल करते हैं।
और सेकंड कीटनाशक है वो है दोस्तों लार्गो कीटनाशक, जो कि धानुका का आता है या डव का, सेम टेक्निकल कंटेंट वाला आता है डेलिकेट कीटनाशक, इफको का भी आता है दोस्तों। तो इनमें से भी आप कोई भी एक कीटनाशक ले सकते हैं, इनमें टेक्निकल कंटेंट सेम ही आता है। स्पाइनेटोरम 11.7% एसी फॉर्म में आता है, लिक्विड सफ़ेद कलर का गाढ़ा सा होता है, तो इसका भी आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। जब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लैक थ्रिप्स के अलावा भी और कई तरीके के कीटों का प्रकोप है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है, डव या फिर लार्गो में से कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आप स्प्रे करेंगे। 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में 200 ml आपको मिक्स करना है और स्प्रे करना है। और थर्ड नंबर पे बहुत ही इफेक्टिव कीटनाशक है बायर का लिसेंटा। दोस्तों जब भी एक साथ कई तरीके के कीटों का प्रकोप होता है तो लिसेंटा भी बहुत इफेक्टिव कीटनाशक है, और स्पेशली मिर्च में इंसेक्ट का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है तो लिसेंटा को आप यूज कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है फिप्रोनिल 40% और इमिडा क्लोप्रिड भी 40% WG फॉर्म में आता है। ये दानेदार सा आता है दोस्तों, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी परफेक्ट डोज आपको लेनी है 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में 100 ग्राम आप डाल लीजिए, मिक्स कीजिए और स्प्रे अपनी फसल में कीजिए। इमिडा क्लोप्रिड और फिप्रोनिल दोनों का कॉम्बिनेशन दोस्तों इसको बहुत इफेक्टिव बनाते हैं। तो जब भी आपकी क्रॉप में अगर थ्रिप्स के अलावा भी लट वगैरह का भी प्रकोप है और भी कई तरीके का रस चूसने वाला कीटों का प्रकोप है, तो बेझिझक आप लिसेंटा को यूज कर सकते हैं। और फ्लोरिंग स्टेज में अगर कोई क्रॉप है, जैसे मिर्च वगैरह की क्रॉप है जिनमें फ्लोरिंग स्टेज शुरू होने वाली है, या कोई फ्रूट्स प्लांट्स है जिनमें फ्लोरिंग स्टेज शुरू होने वाले, आपको लग रहा है कि मधुमक्खियों पे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन है आप UPL का उलाला कीटनाशक यूज कर सकते हैं। स्पेशली थ्रिप्स के लिए बहुत इफेक्टिव कीटनाशक है। फ्लोनिकामिड 50% WG फॉर्म में आता है, ये भी दानेदार फॉर्म में आता है, थोड़ा सा सेवई का सा ये आता है दाने से, तो इसको अच्छे से घोलना अच्छे से है फिर आप फसलों में यूज कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 60 ग्राम से 80 ग्राम तक आप इसको यूज कर सकते हैं 200 लीटर पानी में मिक्स करके। अटैक बहुत ज़्यादा है, कई तरीके के रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप देख रहे हैं, और कॉम्बिनेशन में आप और कुछ नहीं मिक्स कर रहे हैं, तो 80 ग्राम 1 एकड़ के लिए यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन में और कोई यूज कर रहे हैं आप प्रोडक्ट इसके साथ में, कोई फंगिसाइड है या कोई अन्य कोई कीटनाशक है, तो फिर आप इसकी 60 ग्राम 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करेंगे। बायर का ही एक कीटनाशक और आता है रिजेंट गोल्ड नाम से, जिसमें टेक्निकल कंटेंट फिप्रोनिल 18.87% SC फॉर्म में आता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.5 ml से 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। सेम दोस्तों अगर कॉम्बिनेशन में आप यूज कर रहे हैं या अटैक अभी शुरुआती स्टेज है, तो 0.5 ml भी सफिशियंट है 1 लीटर पानी में। अटैक ज़्यादा है तो फिर आप 1 ml 1 लीटर पानी में आपको मिक्स करना है। 1 एकड़ के लिए 100 ml से 200 ml तक 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना है। बायर का ही एक और आता है दोस्तों रिजेंट नाम से, ये रिजेंट गोल्ड है और एक रिजेंट नाम से आता है लिक्विड फॉर्म में, जिसमें फिप्रोनिल 5% आता है SC फॉर्म में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। बायर का एक कीटनाशक और आता है जंप कीटनाशक, ये भी बहुत इफेक्टिव है थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। इसमें फिप्रोनिल 80% WG फॉर्म में आता है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज जरूर दोस्तों आपको केयरफुली यूज करनी है। अगर आप पंप से कर रहे हैं, यानी 15-16 लीटर का जो टैंक आता है, 15-20 लीटर का टैंक, तो उसमें आप 2 ग्राम का एक पाउच आता है वो डालिए, मिक्स कीजिए और स्प्रे कर दीजिए। अगर एक साथ आप घोल तैयार कर रहे हैं, बड़े टैंक से आप स्प्रे कर रहे हैं, तो 200 लीटर पानी में 40 ग्राम डालना है आपको ओनली, और मिक्स करके स्प्रे करना है। तो इस तरीके से थ्रिप्स को आप बहुत अच्छे कीटनाशक हैं, और भी बहुत सारे कीटनाशक आते हैं मार्केट में सेम टेक्निकल कंटेंट के, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
लास्ट में दोस्तों, कि आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो आपको कीटों को कैसे कंट्रोल करना है, या अगर थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा है, ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत सारा अटैक हो चुका है, उसके साथ में इल्लियों का प्रकोप भी है, या जैसे स्टेम बोरर वगैरह का प्रकोप है, फ्रूट बोरर का प्रकोप है, तो आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? बहुत आसान तरीका है, स्प्रे आपको कम से कम 2 जरूर करने चाहिए। कीटनाशकों का भी अगर ज़्यादा अटैक है तो आपको 2 स्प्रे करने पड़ेंगे, 15 दिन के गैप से या 10 दिन के गैप से आप 2 स्प्रे करेंगे। लेकिन आप ऑर्गेनिक तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे हैं या बहुत आसानी से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट तरीका है, सबसे पहले आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए अपनी क्रॉप में। कोई भी क्रॉप है उसमें आसानी से नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल के स्प्रे करने के 3 दिन बाद में, या फिर आप 4th दिन भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या 3rd दिन भी स्प्रे कर सकते हैं, वो है कोई भी हल्का सा कीटनाशक जो सबसे सस्ता आपको मार्केट में मिल जाए, उसी का आप स्प्रे कर दीजिए। सभी तरीके के कीटों का कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों। वो कैसे होगा, आप टेक्निकल तरीके से देखिए। नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे, फसल कड़वी हो जाएगी, रस चूसने वाले या चबाने वाले कीट हैं वो भूखे रहेंगे, उनको थोड़े से डाउन हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, अगर खाना नहीं खा पाएंगे या फिर रस नहीं चूस पाएंगे तो वीक हो जाएंगे। तो 3-4 दिन बाद में जब वो वीक हो जाए तब आप कीटनाशक का स्प्रे कीजिए, बहुत अच्छे से कंट्रोल होते हैं, और हम लंबे समय से इस ट्रिक को आजमाते हैं, हमारी क्रॉप में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप कीटनाशक का स्प्रे नहीं कर रहे, ऑर्गेनिक तरीके से ही खेती करते हैं, तो बेस्ट है कि हर 3-3 दिन के गैप से हर 4th दिन आपको 3 स्प्रे नीम ऑयल के करने चाहिए। सब तरीके के कीटों का कंट्रोल हो जाता है। तो नीम ऑयल का से ही आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो 3 स्प्रे, 2 स्प्रे में भी कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो आप 3 स्प्रे 3-3 दिन के गैप से, यानी 4th दिन या 5वें दिन आप इस तरीके से स्प्रे करेंगे। कम है तो 2 स्प्रे में ही आपके इंसेक्ट कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल तरीका है दोस्तों। आपकी क्रॉप में किस टाइप के कीटों का प्रकोप है, आप हमारे व्हाट्सएप पे अपनी क्रॉप की फ़ोटो भेज सकते हैं, क्लियर वीडियो भेज सकते हैं और हमारा सजेशन ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।